हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल की बात। मिटानी होगी विषमता की खाई, सरकारें कंपनियां और गैर लाभकारी संस्थाएं सुधार के लिए प्रतिबद्ध हो मिलकर काम करें तो यकीनन हालात सुधारे जा सकते हैं। इसके संपादक हैं बिल गेट्स, ये लेखक बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडर के को-चेयर हैं। ये सभी इन्हीं के विचार हैं, ठीक है? इन्हीं ने जो विचार दिए उन्हीं को हम लोग देख रहे हैं। इनकी बिल गेट्स की पत्नी है मिलिंडा, ठीक है? तो इन्हीं के विचार हैं, याद रखिए इन्हीं के जो भी शब्द हैं इसमें इन्हीं के हैं। मेरी पत्नी मिलिंडा और मैं दुनिया भर में गरीबी के खिलाफ संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस मुहिम में हमारा पूरा ध्यान स्वास्थ्य और शिक्षा है, स्वास्थ्य और शिक्षा पर है। आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि किसी भी देश में गरीबी हटाने, अवसरों को बढ़ाने और समृद्धि को लाने में इन दोनों पहलुओं की सबसे अहम भूमिका है। किनकी? स्वास्थ्य और शिक्षा की। दुनिया के अधिकांश हिस्सों में हमें अक्सर स्वास्थ्य और शिक्षा की दयनीय दशा के बारे में पढ़ने सुनने को मिलता है। अब ताज़ा तरीन आंकड़ों और उनकी हड़ताल करने के नए तौर तरीकों की मदद से हम इस बात की बारीक विश्लेषण में भी सक्षम हो गए हैं कि गरीबी, बीमारी और अशिक्षा या अल्प शिक्षा दुनिया भर में जिला दर जिला और समुदाय दर समुदाय को कैसे प्रभावित कर रही है। अच्छी खबर यह नहीं है, यह है कि बीते 2 दशक में गरीबी में खासी कमी आई है। यह सकारात्मक प्रभाव मानव समाज को सुकून देने वाला है। दुनिया के तमाम देशों में स्कूली शिक्षा बढ़ रही है, इसका साथ ही प्रत्येक देश में शिशु मृत्यु दर भी घट रही है। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे गरीब से गरीब देशों में भी शिक्षा एवं स्वास्थ्य के बेहद महत्वपूर्ण मोर्चों पर 99% स्थानीय आबादी की स्थिति में सुधार हुआ है। इससे अच्छी खबरों के बीच कुछ बुरी खबरें भी हैं। तमाम आंकड़े इन देशों में निरंतर कायम असमानता यानी विषमता की ओर भी संकेत करते हैं। उच्चतम और निम्नतम के बीच की खाई और चौड़ी होती जा रही। करीब 50 करोड़ लोग यानी 15 में से एक व्यक्ति ऐसी जगह पर रहने के लिए मजबूर है जहाँ शिक्षा एवं स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधा का अभाव है। हमें स्थिति में भले ही सुधार होता दिख रहा हो, लेकिन सबसे निचले पायदान पर मौजूद तबकों की प्रगति इस रफ्तार से नहीं हो रही है कि वे गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। इसका अर्थ यह है कि समग्र तस्वीर भले ही बेहतर दिख रही हो, लेकिन हाशिए पर मौजूद लोग अभी भी बहुत पीछे छूटे हुए हैं। ऐसी असमानता हमें हर जगह दिखाई पड़ सकती है। मिसाल के तौर पर भारत को ही ले लें। भारत में शिशु एवं मातृ मृत्यु दर के मामले में व्यापक सुधार के बावजूद कई राज्यों एवं जिलों के आंकड़े अभी हमें चुनौती फेस करते नजर आते हैं। नीति आयोग का स्वास्थ्य संबंधी हालिया सूचकांक में इस विषमता को दर्शाया गया है। इसके अनुसार केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। तो याद रखिए, केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। इसकी तुलना में हम बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे जिन राज्यों में बहुत शिद्दत से काम में जुटे हैं, वहाँ की स्थिति में उतना सुधार नहीं दिखता। इन राज्यों में आज भी बाल एवं मातृ मृत्यु दर ऊँची और शिक्षा का स्तर लचर बना हुआ है। महिलाओं के लिए तो यह चुनौती और भी बड़ी है कि दुनिया भर में लड़कियाँ और महिलाएँ पढ़ाई लिखाई की तुलना में ऐसे कार्यों पर ज़्यादा वक्त खर्च कर रही हैं जिससे उन्हें कोई मेहनताना नहीं मिलता। वैश्विक कामकाजी आबादी में लैंगिक खाई तकरीबन 24% है। इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी ना केवल कम है बल्कि पक्षपातपूर्ण कानून एवं नीतियाँ लैंगिक आधार पर होने वाली हिंसा के चलते उनके उनके लिए सफलता की राह तलाशना और मुश्किल हो जाता है। ऐसे में समावेशी विकास और सतत आर्थिक वृद्धि के लिए आवश्यक है कि शिक्षा और पोषण में निवेश बढ़ाया जाए। यह उन देशों के लिए तो नितांत अपरिहार्य है जो इस मोर्चे पर आज भी पिछड़े हुए हैं। इसका अर्थ यह है कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यदि उचित नियोजन और पर्याप्त वित्तीय संसाधनों के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को साथ लिया गया तो वे जरूरतमंद तबके के सभी लोगों तक पहुंच सकती हैं।
इससे लोगों की स्वास्थ्य संबंधी 90% जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। इसके साथ ही गुणवत्ता परक शिक्षा के दायरे का भी व्यापक रूप से विस्तार करना होगा। 1980 में जहां भारत में 7.4 करोड़ बच्चों ने स्कूल में दाखिला लिया था, वहीं उनकी संख्या बढ़कर 13 करोड़ से अधिक भले ही हो गई हो, लेकिन हमें उस शिक्षा की गुणवत्ता भी परखनी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि गुणवत्ता का असर का स्तर भी अलग अलग है। इसकी राह में आने वाले अवरोधों को दूर करने के प्रयास करने होंगे। उन सामाजिक बंदिशों को तोड़ना होगा जो बहुत काबिल महिलाओं के लिए उनकी काबिलियत कला कौशल के उचित उपयोग में अवरोध उत्पन्न करती है। यह सब असंभव नहीं है। आखिरकार दुनिया में यह देखा गया है कि हमने शिशु मृत्यु दर को घटाने में कैसे सफलता हासिल की है और किस तरह शिक्षा के मोर्चे पर स्थिति को बेहतर बनाया जा रहा है। दुनिया भर में नीतिगत सुधारों के दम पर लैंगिक भेदभाव घटाने में भी मदद मिली है। भारत में डिजिटल गवर्नेंस जैसे माध्यमों में निवेश की कोशिश से खास तौर से महिलाओं को अपनी तकदीर खुद लिखने का जरिया मिला है। सभी भारतीयों को बैंक खाता खुलवाने में मदद, विशेष सरकारी पहचान पत्र और वित्तीय सेवाओं के उपयोग को मोबाइल फोन से जोड़ने जैसी पहल समाज के वंचित वर्गों को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही है। इसके माध्यम से लोग जीवन उपयोगी बुनियादी ढांचे से जुड़ रहे हैं। इन सुधारों को यदि बेहतरीन गरीब हितेशी डिजिटल सेवाओं और सक्षम कानूनों के साथ जोड़ दिया जाए तो करोड़ों लोगों के जीवन स्तर में आशातीत सुधार की पर्याप्त संभावना है। यही वजह है कि मैं स्वयं को आशावादी कहता हूँ। ऐसा इसलिए नहीं कि मुझे लगता है कि दुनिया खुद ब खुद बेहतर होती जाएगी। मिलिंडा और मैं कल्पना जीवी नहीं है। असल में हम इस वजह से आशावादी हैं क्योंकि हमने देखा है कि जब सरकारें, कंपनियां और गैर लाभकारी संस्थाएं सुधार के लिए प्रतिबद्ध होकर साथ मिलकर काम करती हैं तो यकीनन हालात सुधरते हैं और लोगों का जीवन स्तर बेहतर होता है। आज ऐसी तमाम वजहें मौजूद हैं जिनसे आशावादी हुआ जा सकता है। वैश्विक रुझान प्रगति के लिए अवसरों की तस्वीर दिखाते हैं। अब यह भारत सहित पूरे विश्व पर निर्भर करता है कि हम कैसे सबके लिए इसे संभव बनाएं ताकि दुनिया के हर कोने पर में हर किसी को इस अवसर का लाभ मिल सके। चलिए तो दोस्तों, ये था हमारा गरीबी और शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित आर्टिकल।